चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 17 से लेकर के 20 तक डिफाइन किया गया। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं, सीधे ज्यादा समय ना लेते सीधे बैरिक्स पर चलते हैं। चैप्टर 4 पर एक नजर डालिए, यहाँ पर बात की गई है प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया की बात की गई है, और ये सेक्शन 17 से लेकर के 20 तक डिफाइन किए गए। सेक्शन 17 पर एक बार नजर डालिए, इंक्वायरी इनटू कंप्लेनेंट्स, शिकायतों की जांच, फिर बात की गई सेक्शन 18 पर स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी, जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई, यानी कि जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई, सेक्शन 18, स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 19 पर प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू आर्म फोर्स, सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। सेक्शन 20 में यहाँ पर बात करेंगे एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 17 पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर प्रोसेस की बात की गई है कि प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 17 में शिकायतों की जांच के संबंध में प्रोविजंस किए गए हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, जो हिंदी मीडियम के, सबसे पहले वो ध्यान दीजिएगा, शिकायतों की जांच यानी आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, और इसमें फर्स्ट नंबर के क्लोज पर एक नजर डालिए, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा निर्देश किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। कौन मांग सकेगा? कहा गया केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। कौन मांग सकेगा? आयोग। और किन कारणों के लिए? जो मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय। परंतु कहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में जांच स्वयं कर सकेगा। देखिए यहां लिखा हुआ जांच स्वयं कर सकेगा। कब? यदि आयोग को नियत समय के भीतर, जो टाइम फिक्स किया गया है उस समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उस सिचुएशन में शिकायत के बारे में आयोग स्वयं भी जांच कर सकेगा। कहां पर, जरा ध्यान दीजिए, यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकार द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद अनुसार सूचित कर सकेगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि यदि जानकारी या रिपोर्ट प्राप्ति हो गई आयोग को और उसके बाद आयोग का ये समाधान हो जाता कि
कोई और जांच अपेक्षित नहीं है, अब किसी और जांच को करना जरूरी नहीं है, अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकारी या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है, तो वह शिकायत के बारे में जो कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। जिसने शिकायत की है उसे ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि अपेक्षित कार्रवाई आवश्यक नहीं है या अपेक्षित कार्रवाई जो संबंधित है वो सरकार या किसी प्राधिकार के द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है उस संबंध में, तो यहाँ पर आयोग फिर कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे थे सेक्शन 17 और इसका सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट में आपने का और खा यहाँ पर दोनों पढ़े। का में यहाँ पर जो बात की गई है सेक्शन 17 सब क्लोज नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में यहाँ पर का में बात की गई कि यदि आयोग को लगता है तो आयोग स्वयं भी जांच कर सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सेक्शन जो 17 है इसका सब क्लोज फर्स्ट में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग विनिर्देश समय करे उसके अनुसार जानकारी या रिपोर्ट मंगा सकेगा। यहाँ पर तो जानकारी या रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन को आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 17 सब क्लोज फर्स्ट। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। खा में भी सेक्शन 17 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का खा, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो। देखिए जरा यहाँ पर कहा है कि यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर जब आयोग को कोई जानकारी दी गई, रिपोर्ट की गई और आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई जांच अपेक्षित नहीं है, मतलब किसी जांच को करना अब जरूरी नहीं समझता आयोग, और या फिर अपेक्षित कार्रवाई या सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है इस पॉइंट पर या फिर की जा चुकी है, तो शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा। कौन नहीं कर सकेगा? आयोग। तो जब ये नहीं कर सकेगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन उस शिकायतकर्ता को जानकारी जाएगी कि आयोग इस संबंध में फिर शिकायत जो उन्होंने शिकायत की है उनकी शिकायत पर फिर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शंस दिए गए यहाँ पर कि आयोग कब कार्रवाई नहीं कर सकता, जब आयोग को लगता है। देखिए दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए कि कोई जांच अपेक्षित नहीं है जब आयोग का ये समाधान हो जाए, या फिर जो अपेक्षित कार्रवाई है उसके संबंध में सरकार या प्राधिकार द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है। ये दो पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं ये, और सेकेंड पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है जिससे कई जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आयोग अपनी कार्रवाई जो शिकायत करता है उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये दो पॉइंट है जहां पर ये इम्पोर्टेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सब क्लोज से हम सेकेंड पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 का सब क्लोज सेकेंड। इसमें कहा गया कि खंड एक में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर यहाँ कहा जा रहा कि खंड एक में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो खंड एक आपने पढ़ा उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है, अगर आयोग को लगता है कि आवश्यक है तो वह जांच आरंभ कर सकेगा, तो फिर यहाँ पर यह जो ह्यूमन राइट कमीशन है, कौन सा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये यहाँ पर जांच करना प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, अब हम सीधे चलते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं इंग्लिश वाले भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 17 पर एक नजर डालिए, यहाँ पर बात की है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंस, जो कंप्लेंस है क्या उस पर इंक्वायरी की जा सकती है। तो देखिए कहा गया द कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ हो तब क्या होगा, कमीशन वाइल इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स,
सब क्लोज नंबर फर्स्ट, जिस समय इंक्वायरी चल रही है उस ड्यूरेशन में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है उन्हें ऐसा फील होता है, तो आयोग यहाँ पर क्या क्या कर सकेगा, कमीशन क्या क्या कर सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन सबॉर्डिनेट देयर टू। देखिए कहा गया कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, जानकारी मंगा सकेंगे किस किस का, और रिपोर्ट भी मंगा सकेंगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, किससे, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेकंड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, और थर्ड में किसी भी अदर अथॉरिटी से, और फोर्थ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सबॉर्डिनेशन में हो, विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय इट। जो भी टाइम पीरियड यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया हो, स्पेसिफाइड किया गया हो, किसके द्वारा, ये कमीशन के, तो उतने टाइम पीरियड में ये मंगा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन ए पर जरा ध्यान देते हैं, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ए, तो यहाँ पर क्या कहा गया, इफ द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड, कहा गया जहां से इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट नॉट रिसीव, अगर रिसीव नहीं होती है विद इन द स्टिपुलेटेड बाय द कमीशन, विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय द कमीशन, जो कमीशन ने टाइम स्पेसिफाइड किया था, स्टिपुलेटेड किया था, उस टाइम पीरियड में अगर नहीं मिलती है इंफॉर्मेशन तो क्या कर सकते हैं यहाँ, इट मे प्रोसीड टू इंक्वायरी इन टू द कंप्लेंट ऑन इट्स ऑन, तो आयोग यहाँ पर स्वयं क्या कर सकता है, इंक्वायरी, अगर देखिए इट मे प्रोसीड टू इंक्वायरी इन टू द कंप्लेंट ऑन इट्स ऑन। सब क्लोज बी पर एक बार नजर डालिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 सब क्लोज फर्स्ट और इसका बी, देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा गया, इफ ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट, जब कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या रिपोर्ट रिसीव हुई है, द कमीशन इज सेटिस्फाई आइदर दैट नो फर्दर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, अगर कमीशन सेटिस्फाई हो जाता है कि आइदर दैट नो फर्दर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, अब आगे कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, और दैट द रिक्वायर्ड एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड और टेकन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, अगर यहाँ पे लग रहा है कि दैट द रिक्वायर्ड एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड, जो रिक्वायर्ड एक्शन था उसको इनिशिएट कर दिया गया है किसके द्वारा, बाय द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर यहाँ क्या क्या कहा गया, इट मे नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट एंड इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट अकॉर्डिंगली, तो क्या होगा, इट मे नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट एंड इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट अकॉर्डिंगली, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे अगर इनिशिएट हो चुकी है कार्रवाई कंसर्न डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पर आयोग को आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ पर कंप्लेंट को प्रोसीड करे, और जब यहाँ कंप्लेंट को प्रोसीड नहीं करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन जरूर भेजी जाएगी, वो किसको भेजेंगे, जिसने कंप्लेंट किया है उसको, कि आपकी कार्रवाई का जो भी रिजल्ट है, कार्रवाई बंद कर दी गई है या कार्रवाई अब रिक्वायर नहीं है, इस पर्पज के लिए वो यहाँ पर ऐसी इंटीमेशन उसको भेजी जाएगी। सब क्लोज नंबर टू पर जरा नजर डालिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 17 सब क्लोज टू, तो टू पर एक बार नजर डालते हैं, देखिए यहाँ कहा गया विदाउट प्रिजुडिस टू एनीथिंग कंटेंट इन क्लोज फर्स्ट इफ इट कंसीडर नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ कंप्लेंट इनिशिएट एन इंक्वायरी। अब कहा जा रहा है कि जो सब क्लोज फर्स्ट आपने ऊपर जस्ट यहाँ पढ़ा था अभी, इसके जितने भी क्लोज हैं, क्लोज फर्स्ट है, कहा गया विदाउट प्रिजुडिस टू एनीथिंग कंटेंट इन क्लोज फर्स्ट, जो क्लोज फर्स्ट में आपने पढ़ा उसके अगेंस्ट ना जाते हुए, इफ इट कंसीडर नेसेसरी, अगर ऐसा आवश्यक है, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के नेचर के अकॉर्डिंग,
कार्रवाई इनिशिएट एंड इंक्वायरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्लेंट इनिशिएट की जा सकती है या फिर इंक्वायरी की जा सकती है, किसके द्वारा? यहाँ पर कमीशन के द्वारा, अगर कमीशन को ऐसा फील होता है तो। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 18 पर। 18 पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। इंक्वायरी के करते समय और इंक्वायरी के बाद में स्टेप्स क्या होंगे, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए से लेकर के ये एफ तक डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 18 में। जो लोग हिंदी मीडियम के वो सबसे पहले देख लीजिए, फिर आगे हम इसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 18 पर। कहा गया कि जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई, आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात कौन सी कार्रवाई कर सकेगा। नंबर का, जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, जो संबंधित सरकार है या जो प्राधिकारी है उसको क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकार या नुकसानी का संदेह करने की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग आवश्यक समझे। तो अगर इन सिचुएशन में प्रतिकर या नुकसानी की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग को ठीक लगता है। सबक्लोज सेकंड पर नजर डालिए। संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाइयां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। तो यह कहा गया कि जो संबंधित व्यक्ति है या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाइयां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। तो यहाँ पर ये देखिए तीन पॉइंट दिए गए हैं काम है, इनमें से कुछ भी करने के लिए किन सिचुएशन में, जरा ध्यान दीजिए। देखिए सेक्शन 18 पर फिर से एक बार नजर डालिए। कहा गया जांच के दौरान और जांच के पश्चात की कार्रवाई क्या होगी। तो कहा गया जैसे आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई जांच के दौरान, जब वह जांच कर रहे हैं उस समय और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। आयोग ने कोई जांच की और उसको जो फाइनल रिजल्ट्स लगता है उसके आधार पर ये कर सकते हैं। तो काम है यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए, क्या कहा गया, जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया, जांच की गई और ये बात साबित हो गई है कि यहाँ पर लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा, मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा, यहाँ पर उपेक्षा की गई हो, या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, थ्री पॉइंट, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, तो कौन, ये जो आयोग है वो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को क्या करने के लिए आयोग सिफारिश कर सकेगा। नंबर वन, इन तीन पॉइंट पर, कब, जब कहा गया कि लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण, पहले तो देखिए जांच हुई या जांच के पश्चात जो भी आयोग को लगा उसके आधार पर उन्होंने कहा, देखा कि लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया, या फिर सेकंड पॉइंट में बात की गई कि मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा की गई है या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो इन तीनों ही सिचुएशन में जो आयोग है वो क्या करेगा, यहाँ पे शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को, तो या तो जो जिसने शिकायत की है उसको, या फिर पीड़ित व्यक्ति को या उसके कुटुंब के सदस्य को प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश करेगा जो आयोग आवश्यक समझे। और ये सिफारिश किससे करेगा, कहा गया संबंधित सरकार या फिर उस प्राधिकारी को। इन तीन सिचुएशन में, जब लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया हो, या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा की गई हो, या मानव अधिकारों का अतिक्रमण का उत्प्रेरण किया गया हो, तब। दूसरा, यहाँ पर देखिए सब क्लोज, यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है इस पर, संबंधित व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाइयां आरंभ करने या फिर कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा
जो आयोग ठीक समझे उसके लिए। थर्ड पॉइंट है कि ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे। कौन कर सकेगा? आयोग। अब यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18, यहाँ बात की गई स्टेप ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। द कमीशन मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी हेल्ड अंडर दिस एक्ट नेमली। तो कब? स्टेप्स ड्यूरिंग अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी की गई है तब, या इंक्वायरी जब कंप्लीट हो गई है उस ड्यूरेशन में। ये नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की गई है वेयर द इंक्वायरी डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। वेयर द इंक्वायरी डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और अबेटमेंट देयर ऑफ बाय द पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे ये जो ऑफेंस में क्या क्या हुआ है, देखिए कमीशन ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड में यहाँ नेग्लिजेंसी इन द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड थर्ड पॉइंट पे अबेटमेंट देयर ऑफ बाय पब्लिक सर्वेंट्स। तो इट मे रिकमेंडेड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, किसको रिकमेंड करेंगे? कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को। क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट, टू मेक पेमेंट और कंपनसेशन और डैमेज टू द कंप्लेनेंट्स। मेक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कि कंपनसेशन का भुगतान कीजिए, और डैमेज ऑफ द कंप्लेनेंट्स और टू द विक्टिम्स, किसको? या तो कंप्लेनेंट को या विक्टिम्स को, और द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य को, एज द कमीशन मे कंसीडर नेसेसरी, जैसा कमीशन कंसीडर करे उनमें से किसी को भी प्रतिकर दिला सकते हैं। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन आप 18, सब क्लोज कौन सा है? ए, और ए में आपने पढ़ा फर्स्ट, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं सेक्शन 18 सब क्लोज ए और ए का फर्स्ट पॉइंट। इसमें यहाँ प्रतिकर की बात की गई कि आयोग प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड में यहाँ पर कार्रवाइयों से रिलेटेड बात की गई, देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18 सब क्लोज ए, ए का सेकेंड। सेकेंड में क्या बात की गई है? टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन और सच अदर सुटेबल एक्शन एज द कमीशन मे डीम फिट अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन और पर्संस। इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन और सच अदर सुटेबल एक्शन, अगर यहाँ आयोग को लग रहा है कि कुछ प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट होना करना चाहिए प्रोसिक्यूशन के लिए, और या फिर अदर सुइटेबल एक्शन होना चाहिए, तो जैसा कमीशन को ठीक लगता है, कमीशन में डीम फिट अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन और पर्संस, तो वैसे के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दे सकता है। थर्ड पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 18 सब क्लोज ए, ए का फिर थर्ड पॉइंट, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कहा गया टू टेक सच फर्दर एक्शन एज इट मे थिंक फिट, जैसा उसको ठीक लगता है ऐसा कोई भी फर्दर एक्शन के लिए रिकमेंडेशंस दे सकता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन 18 का हम लोग यहाँ पर बी पढ़ते हैं, सेक्शन 18 का बी, या फिर आप इसे खा भी बोल सकते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसा निर्देश, ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। तो न्यायालय को इस संबंध में ये अनुरोध भी कर सकते हैं, किस संबंध में? देखिए जरा कि जब यहाँ पर आयोग के द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर वो निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, क्या कर सकेगा? काम में आपने पढ़ा प्रतिकर के लिए भी बात कर सकते हैं, जहां लोक सेवक ने कोई मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया हो या फिर मानव अधिकार
अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा की हो या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण किया हो, इन अबेटमेंट किया हो, तो यहाँ पर उनको प्रतिकार दिला सकते हैं, अभियोजन के लिए कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। खामे ये भी कहकर आवश्यक समझता है आयोग, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी, संबंधित हाई कोर्ट में भी कोई रिट जारी करने के लिए भी ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। गांव में जरा ध्यान दीजिए, जांच के किसी प्रक्रम पर संबंध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की, जो इंटरिम रिलीफ है, तत्काल जहां आवश्यक हो, जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश करना, ये भी इनके कार्य में शामिल है। कहां पर जरा ध्यान दीजिए, खंड इंगा में इंगा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये जस्ट आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। कौन सी? जांच रिपोर्ट की प्रति किसको? अर्जीदार या फिर उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा। किसको? आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति, कौन? आयोग भेजेगा अपनी जांच की जो रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार को, फर्स्ट, या अन्य प्राधिकारी को, और संबंधित सरकार या प्राधिकारी एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा, जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड थोड़ा सा फिक्स किया गया, इस टाइम पीरियड पर जरा ध्यान देना, कितनी अवधि के लिए? एक मास की अवधि के लिए। इंगा में क्या किया है कि आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, जो भी आयोग ने सिफारिश की है और जो उसने जांच किया, उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी वो संबंधित सरकार को या उसके किसी प्राधिकारी को भेजेगा जो भी उससे संबंधित हो, और उसको कहेगा कि एक मास की अवधि के भीतर, कितने टाइम पीरियड के भीतर? एक मास की अवधि के भीतर उसे अपनी जो टीका टिप्पणी है वो उसे आयोग को रिटर्न करके भेजना होगा उस संबंध में जिसमें आयोग ने यहाँ पे जांच की। चाहे जरा ध्यान दीजिए, कहा गया आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। ध्यान दीजिए, कौन प्रकाशित करेगा? आयोग। आयोग यहाँ पे क्या करेगा? देखिए, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की जो टीका टिप्पणी है उनके सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को वो प्रकाशित करेगा। ये आपने खा से लेकर के चा तक के जो पॉइंट पढ़े हुए, यानी कि का से लेकर के चा तक के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि ए से लेकर के एफ तक, जो इंग्लिश मीडियम के, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आपने सेक्शन 18 का ए पॉइंट तक पढ़ लिया था, इसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पॉइंट्स हैं, ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा बी पर, सेक्शन आप 18 पढ़ रहे हैं, सब क्लोज आप बी पढ़ रहे हैं। तो कहा गया अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंसर्न, जो भी संबंधित हाई कोर्ट हो, फॉर सच डायरेक्शंस ऑर्डर और रिट्स एज दैट कोर्ट में डीम नेसेसरी, जो कोर्ट को नेसेसरी लगता है, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो रिट्स हो, इसके लिए ये अप्रोच कर सकते हैं। कौन करेगा? कमीशन। सी में जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 18 का आप सी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बात की गई रिकमेंडेड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी फॉर द ग्रांट ऑफ सच इंटरमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिकमेंडेड
टू द कंसर्न गवर्नमेंट, जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसको रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं और अथॉरिटी को, एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी की जा रही उसके स्टेज पर, फॉर द ग्रांट, किसके लिए, ऑफ सच इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम्स, विक्टिम्स को तुरंत ही कुछ अंतरिम रिलीफ चाहिए उसको, तो कोई भी यहाँ पर इंटरिम रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कुछ खाने पीने की समस्या हो या कोई भी जो आवश्यक है विक्टिम्स को तुरंत, उसके लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं, और द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, या फिर उसकी फैमिली के मेंबर्स के लिए, एज द कमीशन मे कंसिडर नेसेसरी, जैसा कमीशन को ठीक लगता है वैसे यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, गवर्नमेंट को, कंसर्न गवर्नमेंट को या फिर अथॉरिटी को। डी में जरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ई, जो ये ई में आप पढ़ रहे हैं इससे संबंधित, यहाँ पर क्या बात की गई थी ई में, द कमीशन शैल सेंड अ कॉपी, कॉपी किसको भेजेंगे, ऑफ इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टूगेदर, और उसके साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी होगी, फिर कहा गया कि विद इट्स रिकमेंडेशंस टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, तो जो जांच की गई है और जो रिकमेंडेशंस हैं रिपोर्ट की, जांच रिपोर्ट की, किसको भेजी जाएगी, वो कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी को, एंड द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी सेल विद इन अ पीरियड ऑफ वन मंथ, मीन्स एक महीने के अंदर, और सच फर्दर टाइम एज द कमीशन में अलाउ, या फिर जो कमीशन और टाइम अलाउ करे, फॉरवर्ड इट्स कमेंट्स ऑन द रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट पर उन्हें क्या देना होंगे, कमेंट्स। तो अब ये देखिए यही बात कर रहे हैं डी में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ई, तो क्लोज ई में क्या है कि जो यहाँ कमीशन जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी यहाँ पर, उस इंक्वायरी में जो भी रिकमेंडेशन है वो साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट को या कंसर्न अथॉरिटी को भेजा जाएगा, कंसर्न गवर्नमेंट को भेजी गई, उसके बाद कंसर्न गवर्नमेंट को वन मंथ का टाइम दिया जाता है या जो भी प्रिस्क्राइब टाइम करे यहाँ पर कौन, कमीशन, तो उस पर इन्हें अपनी टीका टिप्पणी करके, यानी कि जो कमेंट्स हैं वो इनको वापस भेजने होते हैं। तो कहा गया यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज ई, प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट टू द पिटिशनर ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव और हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको दी जाएगी, पिटिशनर को या फिर हिज रिप्रेजेंटेटिव को। अगला जरा यहाँ पे देखिए, जब ई में आप जो पढ़ रहे थे, कहा गया कि वन मंथ का टाइम पीरियड में सच फर्दर टाइम एज मे बी एज द कमीशन मे अलाउ, फॉरवर्ड इट्स कमेंट्स ऑन द रिपोर्ट इंक्लूडिंग द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन देयर ऑन टू द कमीशन, जो कमीशन को ये जो भी इन्होंने एक्शन लिया हो या जो भी कार्रवाई करने का प्रपोज किया हो, वो उसकी सभी की सभी डिटेल इंफॉर्मेशन किसको, ये कमीशन को भेजेंगे कि इस कार्रवाई पर, इस पर क्या कार्रवाई हुई है जो इंक्वायरी की गई है कमीशन के द्वारा, तो इस पर डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट और अथॉरिटी को भेजेंगे और अथॉरिटी यहाँ पर विद इन द पीरियड ऑफ वन मंथ्स में, या फिर जो कमीशन यहाँ पर प्रेस्क्राइब टाइम करे उस टाइम पीरियड में यहाँ पर इन्हें अपने कमेंट्स और उस रिपोर्ट पर देने होते हैं। एफ में जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 18 का एफ, तो यहाँ पे क्या कहा गया, द कमीशन शैल पब्लिश इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टुगेदर विद इन द कमेंट्स ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी, जो कंसर्न गवर्नमेंट ने और अथॉरिटी ने जो कमेंट्स किए हैं वो यहाँ पर कमीशन क्या कर सकती है, उसे शैल पब्लिश करेगी। अब देखिए, इफ एनी एंड द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट, जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में और जो भी प्रपोज हो कार्रवाई हो उसके बारे में और कौन कौन के बारे में, देखिए गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या एक्शन लिए गए इसको यहाँ पर कमीशन पब्लिश करेगी। तो ये आप पढ़ रहे थे सेक्शन 18, हम चलते हैं सीधे सेक्शन 19 पर। सेक्शन 18 सभी को समझ आ गया, जिसको ना समझ आया प्लीज बताइएगा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों पे, क्वेश्चन है क्या किसी के, ओके चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 19 पर हम लोग फिर नजर डालते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर आप सेक्शन 19 पर एक बार नजर डालिए, देखिए कहा गया
सशस्त्र बलों की बावत प्रक्रिया, जो सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित प्रोसेस क्या है। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 19 सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और यहां पर कहा गया इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात देखो, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 19, कहा गया कि सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया क्या होगी। सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट कहा गया, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। तो जो सशस्त्र बल हैं, अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ पर का पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का 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 आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, या तो आयोग अपने स्वप्रेरणा से, स्वमोटर से, या किसी की जब अर्जी यानी शिकायत प्राप्ति होगी तब केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। तो किससे रिपोर्ट मांगेंगे? केंद्र सरकार से। कौन मांगेगा? आयोग। आयोग का मतलब क्या है यहाँ पर? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप जरा ध्यान दीजिए, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जैसी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, या वो सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा, या तो कोई कार्रवाई करेगा और या फिर सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकता है। कौन करेगा? ये आयोग। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए, केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर, कितने के? 3 मास के भीतर, या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे सूचित करेगी। तो केंद्र सरकार आयोग को कितने दिन में करेंगे? यहाँ पर 3 मास में, या फिर ऐसा टाइम जो भी यहाँ पर आयोग को अनुज्ञात करे, परमिशन दे, उतने समय के भीतर ये करेंगे। तो वैसे प्रेस्क्राइब टाइम कितना है? 3 मास का। सप्लोज नंबर 3 पर नजर डालिए, आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशें तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। तो आयोग क्या करेगा यहाँ पर? जो केंद्र सरकार को की गई जो अपनी सिफारिशें थी या ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई तो उनकी सभी जो रिपोर्ट्स हैं उनको क्या करेंगे? ये प्रकाशित करेंगे। कौन करेगा? आयोग। यहाँ पर आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 4, आयोग उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, जो प्रति होगी वो अर्जीदार और उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। ये आप सब क्लोज नंबर 4 में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिएगा, सशस्त्र बलों के लिए सीधा सीधा सेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट बनेगा। दूसरा यहाँ पे सब क्लोज फर्स्ट में कि अगर सशस्त्र बलों के द्वारा कोई मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया जाए और उनके संबंध में अगर आयोग को कोई शिकायतें मिलती हैं तो क्या प्रोसेस अपनाएगा। तो आयोग एक तो स्वप्रेरणा से कर सकता है, सेक्शन 19 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का ये में यहाँ कहा गया, या फिर किसी की अर्जी प्राप्त हो तो संबंध में वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा। ठीक। दूसरा, रिपोर्ट के पश्चात अगर आयोग को लगता है कि शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए तो कार्रवाई करेगा, और नहीं तो फिर कार्रवाई नहीं करेगा। तो कहा गया शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, या वो सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा, या तो फिर सरकार को सिफारिशें कर सकेगा। कौन? आयोग। अब इसके बाद में जो केंद्र सरकार है वो सिफारिशों पर जो कार्रवाई करेगा उस कार्रवाई में क्या होगा? तो आयोग को 3 मास के भीतर इंटीमेट करेंगे कि क्या कार्रवाई की गई है उस पर। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर जो कार्रवाई की गई है उसमें वो अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करेंगे, और उसमें आयोग ये रिपोर्ट प्रकाशित करेगा कि उस पर जो कंप्लेंट दर्ज की गई थी उन कमजोर जो कंप्लेंट रिसीव हुई थी आयोग को उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। फोर्थ में, जो यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में वो जो अर्जीदार था या उसके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे, उसकी कॉपी यानी कि प्रति उपलब्ध कराएंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 19। देखिए 19 पर एक बार नजर डालिए, यहाँ बात की गई है प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू आर्म फोर्स। सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 सब क्लोज नंबर फर्स्ट,
सब क्लॉज फर्स्ट पर नजर डालें, यहाँ बात की गई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट व्हाइल डीलिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। अगर किसी भी मेंबर के द्वारा, आर्म फोर्स जो मेंबर है उसके द्वारा कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो क्या होगा, द कमीशन शैल अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर, नेमली कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेक्शन 19 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ए, ए में देखिए जरा क्या कहा गया, इट मे आइदर ऑन इट्स ऑन मोशन, या तो वो ऑन मोशन से या फिर और ऑन रिसीप्ट ऑफ द पिटीशन, या कोई पिटीशन उन्हें रिसीव होती है, सी का रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या करेंगे उसकी रिपोर्ट के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगा सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या हुआ। फिर यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए बी पर, आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट, तो वहां से जब रिसीप्ट रिपोर्ट रिसीप्ट होती है, इट मे आइदर नॉट प्रोसीड विद द कंप्लेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पर आयोग कोई भी कंप्लेंट को यहाँ पर प्रोसीड नहीं करेगा, एज द केस मे बी मेक इट्स रिकमेंडेशन टू दैट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे उस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज देंगे कि उनको क्या करना है इसका। सब क्लोज टू पर एक बार नजर डालिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 19 का सब क्लोज टू, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन 3 months, कितने टाइम पीरियड में, विद इन 3 months जो रिकमेंडेशन की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को इनको रिपोर्ट करने होगी, ऑन और सच फर्दर टाइम एज द कमीशन में अलाउ, या फिर जो भी टाइम यहाँ पर कमीशन अलाउ करे उस टाइम पीरियड, तो यहाँ पर यह टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इस पर आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा सब क्लोज नंबर 3 पर नजर डालिए, सेक्शन 19 सब क्लोज जो आप 3 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, द कमीशन शैल पब्लिश इट्स रिपोर्ट टूगेदर विथ इट्स रिकमेंडेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन की गई थी उन सबको, उस रिपोर्ट को उसके साथ में रिकमेंडेशन को, एंड एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन सच रिकमेंडेशन, उन रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट को की गई थी उस गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्शन लिए गए उनको भी पब्लिश की जाएगी। सब क्लोज 4 पर एक नजर डालिए, द कमीशन शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश्ड, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसकी कॉपी प्रोवाइड कराएंगे अंडर द सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है किसको, टू द पिटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, पिटिशनर को और या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। सेक्शन 20 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 20 देखिए, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है, वार्षिक और जो विशेष रिपोर्ट है उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 20 सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए, यहाँ कहा गया आयोग केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, कौन करेगा, आयोग, किस किस को, केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को, और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना आवश्यक, अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए तो विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकेगा, कब, जहां पर आवश्यक हो वहां पर वो क्या कर सकते हैं, विशेष रिपोर्ट भी दे सकते हैं, तो वहां पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक उसे नहीं रोका जा सकता है, अगर ऐसा है कोई भी स्पेशल मैटर तो यहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट भी दी जा सकती है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन आप 20 सब क्लोज फर्स्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पर VIP है, इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। सब क्लोज 2 पर एक नजर डालिए, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो, यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। देखिए जरा यहाँ पे सब क्लोज 2 आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 20 और सब क्लोज 2, देखिए यहाँ क्या कहा गया, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो आयोग की वार्षिक और जो विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई जो है उसके ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित
जो सिफारिशें की गई उनकी जो अस्वीकृति की गई उनके कारणों सहित यदि कोई हो तो क्या किया जाएगा। यथा स्थिति संसद या फिर राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी कि आयोग के द्वारा ये सिफारिशें की गई थी, इन पर ये कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई प्रस्तावित है उनके बारे में, या फिर उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया तो उनके कारणों को रखा जाए। कहाँ पर? संसद में और राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन में रखी जाएगी। क्लियर है? ये पैराग्राफ को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको बीआईपी समझ के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन आप 20 सब क्लोज 2। कहा गया कि आयोग की जो सिफारिशें हैं क्या वो संसद में या राज्य के विधानमंडल में रखी जा सकती हैं? तो बिल्कुल रखी जा सकती हैं, सेक्शन 20 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। चलिए जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 20 सब क्लोज फर्स्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन। इसका सब क्लोज फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा। द कमीशन शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको सबमिट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। जो भी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न है जिनके लिए रिपोर्ट रिसीव हुई है, इन सब की एनुअल रिपोर्ट बना करके ये सबमिट करेंगे। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एंड एट एनी टाइम सबमिट स्पेशल रिपोर्ट। अगर आवश्यक है तो यहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। ऑन एनी मैटर विच इन इट्स ओपिनियन इज ऑफ सच अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दैट इट शुड नॉट बी डिफर टिल सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। यानी कि सबमिशन जो एनुअल रिपोर्ट का सबमिशन है तब तक इसे नहीं रोका जा सकता, तब तक इसे डिले नहीं किया जा सकता। अगर अर्जेंसी मैटर है तो तुरंत ही कौन सी रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेंगे? स्पेशल रिपोर्ट। सब क्लोज नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 20 और सब क्लोज 2। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान दीजिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी शैल कॉज द एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली एज द केस में बी अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन और प्रपोज टू टेकन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। जो कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन है उनको कहाँ कहाँ रखा जाएगा? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली एंड एज द केस मे बी अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम भी होगा किसका? ऑफ एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन। जो एक्सेप्ट नहीं की गई उनका रीजन भी यहाँ पे बताया जाएगा कि किस कारण से इनकी जो रिकमेंडेशन है आयोग की वो एक्सेप्ट नहीं की गई। ये सब कहाँ कहाँ? हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में रखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर ऑफ 4 आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड किसी को कोई जानकारी जो चीजें समझ ना आई हो प्लीज बताइए। क्लियर है? चलिए